हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम जा रहे हैं बात करने ग्रामीण अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में। अभी जो पटवारी में पूछी गई है, इसको दो से तीन पार्ट में मैं बनाऊंगा। आज पहला पार्ट मैं भी डाल रहा हूं और कोशिश करूंगा कि आज शाम तक ही दूसरा पार्ट भी मैं आपको दे दूं। पहले पार्ट में मैंने कुछ डेटा जो उठाया है वो इंटरनेट से उठाया है, और उनसे संबंधित अगर आपके पास भी कोई डेटा है जो इसमें मैंने इंक्लूड नहीं किया है तो वो डेटा आप कमेंट करके जरूर बताएं मुझे, तो उससे क्या होगा सब लोग एक साथ देख सकते हैं। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स जरूर पढ़ लें वो, ताकि उनको और भी डेटा उससे संबंधित मिल जाएगा और सब लोग मिलकर एक साथ तैयारी कर लेंगे। ठीक है, अब दूसरा जो पार्ट बनाऊंगा वो मेरे पास कोई बुक है, पब्लिशर मुझे याद नहीं है, उस बुक में कुछ योजनाएं दी हुई हैं, जैसे कोई इंदिरा आवास योजना दी है, ग्राम स्वरोजगार योजना दी है, ऐसी कुछ योजनाएं दी हैं, तो वो दूसरे पार्ट में मैं उसको कवर करूंगा। ठीक है, तो पहला ये पार्ट है, इसमें हम कुछ योजनाओं के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले नंबर पर है आपका दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। तो यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके अभी हाल में जो एमपी पटवारी का एग्जाम चल रहा है उसमें। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखिए मैं आपको जो जो बता रहा हूं वो आपको पढ़ना है, मैंने पूरा डिटेल इंक्लूड किया है और इसकी जो पीडीएफ है ये वीडियो के बाद शाम तक मैं अपलोड कर दूंगा आपके हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है उसके ऊपर, और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो लगभग हर वीडियो में आपको नीचे मिल जाएगी। हमारा ग्रुप भी है टेलीग्राम पर और हमारा चैनल भी है, दोनों से आप जुड़ जाएं, दोनों पे आपको वो पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इसको देखिए शॉर्ट में बोलते हैं डी डी यू जे बाई दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। ठीक है, ये स्टार्ट हुई थी 20 नवंबर 2014 को, और इसका उद्देश्य क्या है, भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें कृषि और गैर कृषि उपभोक्ताओं को, अब देखिए दोनों प्रकार के उपभोक्ता यहां पर इंक्लूड करेंगे, उनको विवेकपूर्ण तरीके से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना। ठीक है, मोदी जी की अध्यक्षता में जो मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया था, सरकार ने 1000 दिनों के भीतर 1 मई 2018 तक 18452 अविद्युतीकृत, मतलब जिनमें विद्युत नहीं पहुंची थी, जिनमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची थी, गांवों का विद्युतीकरण करने का फैसला इन्होंने लिया है। ठीक है, अभी विद्युतीकरण से क्वेश्चन पूछा गया था कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन या इलेक्ट्रिफाइड स्टेट कौन सा है पहला, तो उसमें आपका गुजरात है, दूसरे नंबर पर जो था वो है आपका आंध्र प्रदेश, और तीसरे नंबर पर बन चुका है केरला। इसके अलावा केरला का एक करंट अफेयर भी है जिसमें हर एक घर में, एवरी हाउस होल्ड, हर एक घर में जो 100% इलेक्ट्रिसिटी, मतलब 100% हाउस होल्ड में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने वाला जो स्टेट है वो है केरला। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये तीन चार पॉइंट जो मैंने बताए हैं, पहले नंबर का गुजरात है, दूसरे नंबर का आंध्र प्रदेश है, तीसरे नंबर का केरला है, वो केरला अलग जो 100% हाउस होल्ड में इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचा चुका है, एक ऐसा स्टेट है। ठीक है, अब देखिए विद्युत मंत्रालय से संबंधित है एक पॉइंट आपका, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाते हैं अगर हम तो अगस्त, ये जो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति होती है जिसको हम बोलते हैं सीसीईए, द्वारा अगस्त 2013 में जो ग्रामीण विद्युतीकरण से संबंधित शेष कार्य के लिए वर्तमान में 12वीं और 13वीं पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत RGGBY के चल रहे कार्यों को दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो मंत्रिमंडल की जो समिति बनी थी इस योजना के लिए, उसने 39,275 करोड़ रुपए की लागत को इसके लिए मंजूरी दी है, इसमें से 35,477 करोड़ रुपए की बजट सहायता भी शामिल है, और 43,033 करोड़ रुपए के कुल प्रावधान के अतिरिक्त परिव्यय राशि भी दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में सम्मिलित की जाएगी। तो यहां पर ये राशियां भी आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अवर हम देखते हैं इस योजना के लाभ क्या है। देखिए, सभी गांव और घरों में विद्युतीकरण करा जाएगा, मतलब हर घर में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई जाएगी। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत वितरण की अवधि में भी सुधार होगा। इसके साथ ही अधिक मांग के समय में लोड में कमी, मतलब जब मांग ज्यादा बढ़ जाती है तो लोड कम हो जाता है। आपने देखा होगा गांव जो होते हैं वहां पे बहुत सारे लोग, जब सब घर में रात में लाइट एकदम डिम हो जाती है, ठीक है, तो इस चीज को भी कम करना इसमें शामिल है। उपभोक्ताओं को मीटर के अनुसार खपत पर आधारित बिजली बिल में सुधार, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है हमारे देश में, और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की अधिक सुविधा भी इसमें दी जा सकेगी। छोटे और घरेलू उद्यमों के विकास के परिणाम स्वरूप रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। रेडियो, टेलीफोन, टेलीविजन, इंटरनेट, मोबाइल की पहुंच में भी सुधार होगा। अब देखिए, सब लाइट से संबंधित है, लाइट होगी अगर तो ही ये सब चीजें चलेंगी। स्कूल, पंचायत, अस्पताल और पुलिस स्टेशनों में बिजली पहुंचेगी। परियोजनाओं को अनुमति देने के लिए प्रक्रिया शीघ्र ही प्रारंभ होगी। ठीक है, और ठेके देने की अवधि से 24 महीने के भीतर परियोजनाओं को पूरी किया जाना चाहिए। तो ये पॉइंट अभी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट
इसमें जो है अन्य जानकारी में अगर देखा जाए तो देखिए योजना का जो प्रमुख भाग है वो अलग अलग फीडर की व्यवस्था कर उप पारेषण तथा वितरित नेटवर्क को मजबूत बनाना है। ठीक है, हालांकि ये बहुत ज्यादा पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी 24 महीने वाला पॉइंट तो आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस योजना का जो अनुदान भाग है वो विशेष श्रेणी के राज्यों के अलावा अन्य राज्यों के लिए 60% इंपॉर्टेंट, जो निर्धारित मील के पत्थर की उपलब्धि पर 75% तक होगा, और जो विशेष श्रेणी के राज्य हैं उनके लिए 85% होगा, जो निर्धारित मील के पत्थर की उपलब्धि पर 90% तक होगा। ठीक है, इसके लिए अतिरिक्त अनुदान के लिए जो मील के पत्थर योजना को समय पर पूरा करना, प्रति प्रक्षेप वक्र एनटी एंड एनडीसी नुकसान में कमी, और राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी की अग्रिम रिलीज है। ठीक है, और जो सभी पूर्वोत्तर के राज्य जिनमें सिक्किम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड सहित को विशेष राज्यों की श्रेणी में इसमें शामिल करा गया है। बाकी सारे जो राज्य हैं वो आपके जो नॉर्मल राज्य हैं उनकी बात यहां पे करी जा रही है। ठीक है, इसके अलावा समरी अगर इसकी देखें तो देखिए 25 जुलाई 2015 को इसको मतलब स्टार्ट करा गया था, दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना को, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ग्रामीण भारत को निरंतर बिजली आपूर्ति करना है। परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 760 बिलियन डॉलर, ये डॉलर है यहां पे, ठीक है, और यूएस डॉलर अगर देखा जाए तो ये करीब 11 बिलियन डॉलर इसका प्रव्यय है, जिसके तहत भारत सरकार 663 मिलियन ये रुपीज हैं, और ये होगा 9.4 अरब अमेरिकी डॉलर। ठीक है, ये रुपीज हैं, यहाँ पे मैं डॉलर जो बता रहा था, इसका अनुदान प्रदान करेगी। इसके अलावा कृषि उपज में वृद्धि, हित में सुधार, शिक्षा और बैंकिंग सेवाएं, सामाजिक सुरक्षा में सुधार आदि ये सब इस योजना के आपके लाभ होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण के लिए, जिसको हम बोलते हैं PMAY G, इससे भी अभी पटवारी में क्वेश्चन पूछे गए। 20 नवंबर 2016 को ये योजना स्टार्ट हुई थी, और इस योजना के तहत केंद्र सरकार का उद्देश्य बीपीएल सहित जो गरीब परिवारों के लिए ग्रामीण क्षेत्र में वर्ष 2022 तक 3 करोड़ घरों का विकास करना, ये जो 3 करोड़ है और ये 2022 तक इसमें मतलब ये इसका मतलब उद्देश्य है, ये 3 करोड़ पूछा जा चुका है एग्जाम में। ठीक है, और इंदिरा आवास योजना जो है उसका ये नया नाम है, प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, ग्रामीण के लिए अलग है, शहर के लिए अलग है। इसके अंतर्गत मकानों के निर्माण के लिए सादे क्षेत्रों में 70,000 रुपये और कठिन इलाकों में 75,000 रुपये की आर्थिक सहायता, जो ये कठिन इलाके मतलब जहां पे उच्च भूमि प्रदेश जो है वहां की बात कर रहे हैं, 2022 तक पूरे देश के ग्रामीण इलाकों में 4 करोड़ घरों का निर्माण होगा। अभी देखिए जहां से मैंने डेटा लिया, यहां पे 3 करोड़ दिया हुआ है, यहां पे 4 करोड़ है, तो वैसे मेरे ख्याल से जहां तक मुझे याद है ये 4 करोड़ इसका सही है, 4 करोड़, ये 3 करोड़ नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। ठीक है, ये योजना केंद्र सरकार द्वारा 25 सितंबर 2014 को शुरू करी गई थी, और इसमें मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण परिवारों के जो ग्रामीण युवा हैं उनकी उनके समावेशी विकास को हासिल करने के लिए कौशल और उत्पादक क्षमता विकसित करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। और 3 सालों में, कितने सालों में, 3 सालों में 10 लाख ग्रामीण युवाओं को आयु वर्ग के अंतर्गत 0 से 15 से 35 वर्ष तक जो है, ठीक है, उनको प्रशिक्षण देना है, मतलब उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। इस योजना के लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रारंभिक फंड आवंटित किया गया। ये सारे नंबर्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कितने लाख ग्रामीण युवाओं को दिया जा रहा है, इतनों को दिया जा रहा है, उनकी एज लिमिट क्या है, इतनी है। ठीक है, और ये आपका 15 से 35 वर्ष है, 15 से 35 वर्ष तक जो युवा हैं उनके लिए स्पेशली ये होगी। और इसके बाद अगर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का ही एक हिस्सा है, गरीबी में कमी के लिए मिशन को एजीविका कहा जाता है। फिर आपका मध्यान्ह भोजन योजना, हालांकि ये ग्रामीण से संबंधित है इसलिए मैंने इसको यहां पे इंक्लूड किया है। 1995 में भारत सरकार द्वारा इसको शुरू करा गया था, और इसका मुख्य उद्देश्य पूरे देश में स्कूल उम्र के जो बच्चों हैं उनकी पोषण संबंधी स्थिति में वृद्धि करना है, और इसका उद्देश्य स्कूलों में नियमित रूप से भाग लेने के लिए वंचित वर्गों से संबंधित गरीब बच्चों को प्रोत्साहित करना है। देखिए उनके पास खाना नहीं होता है खाने का, तो स्कूल में अब इसको खाने को प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि वो बच्चा स्कूल तो कम से कम आए, खाने के चक्कर में आए लेकिन स्कूल आए ताकि उसकी पढ़ाई हो सके। और ये योजना 12,65,000 से अधिक स्कूलों और शिक्षा गारंटी योजना केंद्रों में इतने बच्चों को मुहैया कराता है, और मौजूदा अगर मानदंड के अनुसार देखा जाए तो प्राथमिक बच्चों को 30 ग्राम दाल, 75 ग्राम सब्जी और 7.5 ग्राम सब्जियां, सॉरी 75 ग्राम सब्जी और इतनी, इसको छोड़ दें आप, इतनी प्रदान करी जाती है। ठीक है, और जो नई 2015 की जो मधुमेह योजना के नियमों के अनुसार देखा जाए तो विशिष्ट कारणों से भोजन की आपूर्ति न होने के मामले में खाद्य सुरक्षा भत्ता का भुगतान इसमें करना होगा, और यदि स्कूल के तहत आवंटित धनराशि मिलती है तो विद्यालय अन्न धन का उपयोग कर सकता है।
ठीक है, तो ये इतने पॉइंट आपके इसके इंपॉर्टेंट होंगे। फिर है आपका JNNURM, मतलब जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। ये 3 दिसंबर 2005 को भारत सरकार के द्वारा योजना शुरू करी गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य किफायती मूल, बेहतर आवास, जलापूर्ति और स्वच्छता। ये तीन इनके प्रमुख उद्देश्य हैं, किफायती मूल, बेहतर आवास, जलापूर्ति और स्वच्छता। चार, इन पर शहरी गरीबों की सुरक्षा के बुनियादी सेवाओं के एकीकृत विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। इस योजना के दो घटक हैं, एक है लघु और मध्यम शहरों का शहरी बुनियादी ढांचा विकास और एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम, जो स्लम एरियाज होते हैं उनके लिए स्पेशली रखी गई है। और इसमें स्टार्टिंग में 7 साल की अवधि, मतलब 2012 तक था ये, लेकिन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 2014 तक इसको बढ़ा दिया गया था। इसके बाद मिशन की शुरुआती राशि के साथ शुरू किया गया था। वर्ष 2005 में 7 वर्ष की अवधि के लिए ये थी इसकी राशि। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना। तो 25 जून 2015 को ये सरकारी योजना शुरू करी गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य सभी भारतीय नागरिकों को किफायती आवास प्रदान करना। और इसके तहत सरकार 2022 तक आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं और निम्न आय समूह श्रेणियों से संबंधित लोग हैं उनको 5 करोड़ किफायती घर उनको प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और शहर के कम जो आय समूह है, मतलब ये स्पेशली देखिए, अभी हमने एक पढ़ा था PMAYG, वो ग्रामीण के लिए थी। ये थी आपके शहर के जो जिनकी इनकम कम है उनके लिए, तो उनको 1 लाख से लेकर 2.3 लाख रुपए तक की सब्सिडी घर के लिए दी जाएगी। इसके अलावा सरकार गरीब घर खरीदारों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी और गृह ऋण पर सब्सिडी भी प्रदान करेगी। फिर हमारा पहल स्कीम, पहली योजना जो है 1 जनवरी 2013 को भारत सरकार के द्वारा शुरू करी गई थी, ठीक है। इसके बाद मुख्य उद्देश्य इसका जो LPG सिलेंडर की सब्सिडी के पैसे है वो सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खातों में भेजने और पूरे सिस्टम में दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए, मतलब इसमें अब कोई घपला सब्सिडी में नहीं हो पाएगा। आज भी ये जो पहल स्कीम है ये अभी सब्सिडी बैंक खातों में ही आती है। इसके अंतर्गत उपभोक्ताओं को इस योजना में शामिल होने और LPG सब्सिडी प्राप्त करने के लिए एक बैंक खाते की आवश्यकता बस होगी, ठीक है। हालांकि इसमें और ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट ऐसा पॉइंट नहीं है। फिर आपका मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम। 17 फरवरी 2015 को स्टार्ट करा गया था इसको, और किसानों को उनके फार्मों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों और उर्वरकों के बारे में जानकारी देकर अपने खेतों की उत्पादकता में सुधार करने में इसका मुख्य उद्देश्य है। और उर्वरकों के संतुलित उपयोग इसका लक्ष्य है, वो कम लागत पर किसानों को उच्च उपज प्रदान करना इसका एक लक्ष्य है। इसके लिए 568 करोड़, मतलब $84 मिलियन की राशि आवंटित करी गई। ये रुपये हैं, ये ब्रैकेट में जो लिखा है यूएस डॉलर है। 2017 तक सरकार 14 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्डों को वितरित करने की योजना बना रही है। फिर है आपका दरवाजा बंद स्कीम। इसमें जो शौचालय से संबंधित है, गांव में शौचालय का प्रयोग बढ़ाने के लिए केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने 30 मई 2017 से दरवाजा बंद नामक नए अभियान की शुरुआत करी है। और इसमें मुंबई में 30 मई 2017 को आधिकारिक कार्यक्रम के दौरान इस अभियान की शुरुआत करी जाएगी, मतलब हालांकि ये हो चुकी है मई 2017 में। और इसमें सुप्रसिद्ध अभिनेता श्री अमिताभ बच्चन अभियान का नेतृत्व करेंगे, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये अभियान चूंकि केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय का है और इसके जो आधिकारिक ऑफिशियल जो इसका प्रोग्राम था उसमें राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान में योगदान देने वाले विभिन्न राज्यों के चैंपियनों को भी सम्मानित किया गया था। और शौचालय प्रयोग अभियान के शुभारंभ के दौरान महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस ये और केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता मंत्री जो है नरेंद्र सिंह तोमर ये इसमें मौजूद थे। इसे विशेष तौर पर गांव में शौचालय के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन करा गया है, ठीक है। इसके अलावा जो विश्व बैंक से इसको समर्थन प्राप्त है, मतलब विश्व बैंक से इसको लोन मिला हुआ है और इसकी औपचारिक शुरुआत होने के तुरंत बाद से देशभर में चलाया जाएगा। और इस अभियान की एक विशेषता प्रसिद्ध अभिनेत्री अनुष्का शर्मा का भी इसमें शामिल होना है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि इनमें से अनुष्का शर्मा का संबंध किस योजना से है, या ऐसा पूछा जा सकता है कि जो दरवाजा बंद अभियान है इनमें से किस सेलिब्रिटी का संबंध उनसे है, ठीक है। तो ये इस अभियान का एक उद्देश्य भी है कि खुले में शौच मुक्त भारत का निर्माण हो। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, इसमें एक ऐसी योजना है और ये योजना जो है आपकी दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार की योजना ही है, इसने शुरू करी है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया, एक्चुअली न्यूज से उठाया मैंने कहीं से, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था चलाने के लिए स्वयं सहायता समूह के लोगों को रोजगार के अवसर देने का इसमें
लेक्चर रखा गया है। ठीक है, श्री राम कृपाल यादव जी जो कि ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन सेवाओं की सुविधा प्रदान करके DNRLM के तहत पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह जो है उनके सदस्यों को आजीविका का एक वैकल्पिक स्रोत प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, अब इसमें देखिए 20 जुलाई 2017 को केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री जो हैं रामकृपाल यादव, इन्होंने लोकसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था कि ग्रामीण विकास मंत्रालय दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत एक नई उप योजना आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना शुरुआत करेगा, AGEY। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको इसको भी याद रखना पड़ेगा। और इसके तहत जो ग्रामीण क्षेत्र है, स्पेशली पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र, उनमें जो सार्वजनिक परिवहन की जो सेवाएं हैं उनको चलाया जाएगा। इससे ई रिक्शा, 3 और 4 व्हीलर मोटर परिवहन वाहन और जैसे सुरक्षित और सस्ती सामुदायिक निगरानी वाली ग्रामीण परिवहन सेवाएं इसमें उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक है, इसमें क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास के लिए दूर दराज के गांवों को बाजार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मुख्य सेवाओं और सुविधाओं से जोड़ा जा सकेगा, इसका ये सबसे बड़ा फायदा होगा। और 2017-18 से लेकर 2019-20 तक 3 वर्षों की अवधि के लिए एक प्रायोगिक आधार पर देश के 250 ब्लॉकों पर लागू करी जाएगी। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है कितने ब्लॉक पर लागू करी जाएगी और कितने वर्षों की अवधि तक लागू करी जाएगी, कब से कब, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये प्रमुख आपका इसमें इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो प्रस्तावित विकल्प है उनमें से एक सामुदायिक आधार संगठन है जो अपनी निधि से, मतलब अपना जो उसका इनकम है उससे वाहन खरीदने के लिए जो स्वयं सहायता समूह है उनके सदस्यों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगा। फिर आपकी प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, हालांकि ये योजना जरूर है, 2015 की ये योजना है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है, लेकिन इसमें जो जेनेरिक दवाइयां होती हैं उनके जो दाम होते हैं वो देखिए बाजार मूल्य से कम किए जा रहे हैं। ठीक है, जो जेनेरिक दवाइयां होती हैं और जन औषधि स्टोर इसके थ्रू बनाए जा रहे हैं ताकि जेनेरिक दवाइयां हर एक जगह, मतलब इनका प्रचार प्रसार ज्यादा करा जाए, क्योंकि जो नॉर्मल जो दवाइयां आती हैं वो बहुत महंगी होती हैं, तो जेनेरिक जो दवाइयां होती हैं काफी सस्ती होती हैं लेकिन इनका कंटेंट वही होता है। ठीक है, और देखिए जेनेरिक दवाइयां ब्रांडेड या फार्मा की दवाइयों के मुकाबले सस्ती होती हैं जबकि प्रभावशाली उनके बराबर ही होती हैं। तो मेन इसी चीज के लिए, जागरूक करने के लिए, इसी चीज को बताने के लिए ये सब ये योजना आई है। और इसमें देखिए जेनेरिक दवाएं क्या है, मार्केट में जनरली मेडिकल्स पे होती तो है लेकिन वो लोग इनको देते नहीं है। ठीक है, इनकी क्योंकि इससे उनको फायदा नहीं होगा, तो प्रमुख रूप से देखिए जब तक हमें ये चीज पता नहीं होगी तब तक हम इसका लाभ कैसे उठा पाएंगे। तो मेन प्रचार प्रसार इसका इसलिए करा जा रहा है कि जेनेरिक दवाइयां जो हैं ये आप इस योजना के थ्रू खरीदें और फायदा उनसे उतना ही होगा, 60 से 70% कम इनकी वैल्यू होती है। और 1000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र सरकार जल्द से जल्द इसमें खोलने जा रही, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें 1000 केंद्र। ठीक है, अब देखिए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र कौन खोल सकता है, देखिए कोई भी व्यक्ति या व्यवसायी, अस्पताल, एनजीओ, चैरिटेबल संस्था, कोई फार्मासिस्ट हो, डॉक्टर, मेडिकल प्रैक्टिशनर, ये जन औषधि केंद्र खोलने के लिए ये आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए 50,000 रूपये तक की दवाइयां अग्रिम रूप से दी जाएंगी, किसको, एससी एसटी और दिव्यांग आवेदकों को। जेनेरिक दवाइयों के प्रति जनता को जागरूक करने का कार्य भी जन औषधि अभियान के तहत ही होगा। दवाइयों पर प्रिंट कीमत से 16% तक का प्रॉफिट बड़ी से बड़ी एवं घातक बीमारियों के उपचार के लिए जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराएगा तथा साथ ही लोगों के बजट में भी होंगी। तो ये प्रमुख इसके जो पॉइंट हैं ये हैं, और इसमें ऐसा कोई खास ज्यादा पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। फिर हमारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन, देखिए गोकुल मिशन है जो स्वदेशी गायें होती हैं उनके संरक्षण के लिए और उनकी जो नस्लें हैं उनके विकास के लिए। अब उनका जो विकास है उसको कैसे करना है, साइंटिफिक मेथड से, वैज्ञानिक विधि से। ठीक है, तो जो केंद्रीय मंत्री हैं किसके, इसके लिए राधा मोहन सिंह, इन्होंने 28 जुलाई 2014 को इसको स्टार्ट करा है। और जो पशु प्रजनन और डेयरी विकास कार्यक्रम पर आधारित है ये परियोजना, और इसके अंतर्गत गिर, साहिवाल, राठी, देवनी, थरपारकर, लाल सिंधी जैसी जो देशी नस्ल के पशु हैं उनके आनुवांशिक स्वरूप को उन्नत करने और इनके वंश की वृद्धि के इसमें प्रबंध किए जाएंगे, जिससे देशी नस्ल की जो गायें हैं उनका दुग्ध उत्पादन बढ़ेगा और उनकी उत्पादकता भी बढ़ाई जा सके, और इसके द्वारा स्वस्थ और उच्च आनुवांशिक गुणवत्ता के बैल भी उपलब्ध हो सकेंगे। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे याद है, इससे भी पटवारी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अन्य जानकारी में अगर देखें तो इसको सफल बनाने के लिए वर्ष 2014-15 में सरकार ने 150 करोड़ रुपए की घोषणा की है। तो 150
करोड़ ठीक है। एकीकृत स्वदेशी पशु केंद्र जैसे गोकुल ग्राम की स्थापना हेतु सर्वोत्तम रीति से जर्म प्लाज्म जो होता है उसको रखने वाले संस्थानों को सहायता प्रदान करने के लिए, गौपालन संघ नाम से प्रजनक समाज की स्थापना, ये इनके मतलब इतनी चीजें इसमें करी जा रही हैं ठीक है। किसानों के लिए गोपाल रत्न और प्रजनक समाज के लिए कामधेनु नामक पुरस्कार की भी स्थापना, तो पूरा जो फंड दिया जा रहा है वो इन चीजों के लिए भी दिया जा रहा है ताकि इन चीजों को हम ज्यादा से ज्यादा प्रमोट भी कर सकें ठीक है। और इसका जो कार्यान्वयन है वो किसके द्वारा करा जा रहा है, राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों के द्वारा ठीक है। और किसके किसके थ्रू करा जा रहा है, पशुधन विकास बोर्डों के माध्यम से करा जाएगा। अच्छा, इसमें देसी नस्ल के जो प्रजनन प्रदेश है उनमें गोकुल ग्राम की स्थापना करी जा रही है और इसकी स्थापना पीपीपी मॉडल जिसको बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के आधार पर करने का प्रस्ताव इसमें है। इसके अलावा जो पशुओं के पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए चारा उत्पादन जिसको फॉडर प्रोडक्शन भी बोलते हैं ये भी किया जाएगा। उसके अलावा गोकुल ग्राम में दूध, जैविक खाद, केंचुआ खाद, यूरिन डिस्टिलेट, बायोगैस से विद्युत का उत्पादन तथा पशु उत्पादों की बिक्री के माध्यम से आर्थिक संसाधन भी इसमें पैदा करा जाएगा। तो इतने पॉइंट इसके आपके इम्पोर्टेंट हैं। फिर हमारी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कृषि सिंचाई योजना जो है जो मानसून पर खेती की निर्भरता को कम करने के लिए, देखिए आजकल मानसून की कोई भरोसा नहीं रहा है, किसी जगह बहुत ज्यादा बारिश किसी जगह बहुत ज्यादा कम बारिश होती है ठीक है। तो इसमें प्रमुख रूप से तीन मंत्रालय आपके इंक्लूडेड हैं जिनमें जल संसाधन नदी विकास गंगा पुनरुद्वार मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और कृषि मंत्रालय, ये विभिन्न जल संरक्षण संचयन और भूमि जल संवर्धन तथा जल वितरण संबंधित कार्यों को समेकित इसमें किया जा रहा है ठीक है। यही सारी चीजें हैं और यही तीन मंत्रालय इसमें मिल सकते हैं क्योंकि सिंचाई और कृषि दोनों इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है। अब इसमें जो हमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या करना है, 2015 में इस योजना की शुरुआत करी गई थी, 50,000 करोड़ रुपए सरकार ने इसमें लगाए हैं और देश में कुल 14.2 करोड़ हेक्टेयर की जो कृषि योग्य भूमि है उसमें से 65% में सिंचाई की योग्य भूमि नहीं है, इसलिए सरकार चाहती है कि जो कृषि योग्य भूमि नहीं है उसे कृषि योग्य बनाया जाए। और अब तक 142 मिलियन हेक्टेयर भूमि है भारत में जिसमें से 45% भूमि है वो सिंचाई योग्य है, बाकी बची हुई भूमि को सिंचाई योग्य बनाना भी बाकी है। एक अनुमान है एक्चुअली, ये मतलब इस तरीके अनुमान से क्वेश्चंस कभी नहीं आते हैं। अब इसका उद्देश्य क्या है, देखिए कई दशकों के प्रयास के बावजूद कृषि योग्य भूमि का अधिकांश भाग वर्षा पर ही आधारित है, वर्षा के अभाव में किसानों को विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, इसी को ध्यान में रखकर ये योजना आई है। मुख्य उद्देश्य है कि हर खेत को ठीक से पानी मिले, ऑब्वियसली बात है सिंचाई से संबंधित है, इस बात का ध्यान दिया जाए गया कि जो खेतों का पानी का जो प्रबंध किया गया है वो खेत में ही किया जैसे हर खेत को पानी नाम दिया गया हर खेत को पानी, और 65% खेतों के लिए भूमि है वो सिंचाई योग्य नहीं है, तो सरकार ये चाहती है कि ये जो भूमि है इसमें भी पानी की व्यवस्था की जाए ताकि ये भी कृषि योग्य बने। और अन्य जानकारियों में अगर देखा जाए तो इसमें देखिए तीन नंबर मंत्रालय तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, और क्षमता बढ़ाने के लिए जल प्रयोग की क्षमता बढ़ाने के लिए सूक्ष्म सिंचाई योजना जिसमें ड्रिप स्प्रिंकलर और रेगनर ये तरीके होते हैं इनके ठीक है, इनका उपयोग करके विभिन्न फसलों की सिंचाई करी जाएगी और कार्यक्रम को चलाने के लिए 15-16 के लिए 1800 करोड़ रुपए की राशि आवंटित करी गई है। ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है और इसको तैयार करते समय जो जो संसद सदस्य हैं स्थानीय विधायक हैं उनके भी सुझाव लिए जाएंगे और जिला सिंचाई परियोजनाओं में उनको सम्मिलित भी करा जाएगा। हालांकि इसके ये ज्यादा अपने को कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर है मिशन इंद्रधनुष अभियान, तो मिशन इंद्रधनुष अभियान है वैक्सीनेशन से रिलेटेड, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की योजना है, 15 दिसंबर 2004 को इसको स्टार्ट करा गया था सुशासन दिवस के जब सुशासन दिवस मनाया गया था ठीक है, बच्चों का जो वैक्सीनेशन होता है टीकाकरण होता है उसके लिए। तो इंद्रधनुष के 7 रंगों को प्रदर्शित करने वाला मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य उन बच्चों का 2020 तक टीकाकरण करना है जिन्हें टीके नहीं लगे ठीक है, या फिर जिनको डिप्थेरिया बलगम टिटनेस पोलियो तपेदिक खसरा और हेपेटाइटिस बी को रोकने जैसे 7 टीके आंशिक रूप से लगे, और ये कार्यक्रम हर साल 5% या उससे अधिक बच्चों के पूर्ण टीकाकरण में तेजी से वृद्धि के लिए विशेष अभियानों के जरिए चलाया जाना है। और इसमें मिशन इंद्रधनुष अभियान के बारे में अगर अन्य जानकारी के बारे में बात करें तो प्रतिवर्ष 5% या उससे अधिक बच्चों का को टीकाकरण कवरेज में शामिल करने की प्रक्रिया तेज करने के लिए तथा 2020 तक संपूर्ण कवरेज के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिशन को अपनाया गया, मतलब ये हर साल 5% बच्चे इनको बढ़ाना है कि जितने भी हुए हैं जैसे इस साल अगर 100 हुए हैं तो अगले साल इनको 5% और इसको बढ़ाना है, मतलब 105 इनको लक्ष्य हासिल करना है।
ठीक है, और 2020 तक पूरे के पूरे इनको इकट्ठे सारे बच्चों का टीकाकरण हो जाना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो मिशन इंद्रधनुष है इसमें देश भर के जो महत्वपूर्ण व्यवहारिक क्षेत्र हैं उनमें उच्च टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम भी इसमें होगा। इसमें उन जिलों पर ध्यान दिया जाएगा जहां पर टीकाकरण कम हुआ है। ठीक है, इसके अलावा इसमें और ज्यादा हमें कुछ ऐसा पॉइंट नहीं है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, बच्चों सहित गर्भवती महिलाओं को 2 करोड़ टीके इसमें मतलब लगाए गए थे, और इस अभियान का उद्देश्य 352 जिलों में पूर्ण टीकाकरण प्राप्त करना, जिसमें 279 मध्य प्राथमिकता जिले हैं, उत्तर पूर्व राज्यों के 33 जिले हैं, और प्रथम चरण के दौरान बड़ी संख्या में 40 जिलों में टीकाकरण से वंचित हुए बच्चों का टीकाकरण शामिल है। अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, देखिए फसल बीमा योजनाओं में जैसे कुछ जो योजनाएं शुरू करी गई थी उनमें जैसे गहन कृषि विकास कार्यक्रम 1960-61 में, गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम 64-65, हरित क्रांति 66-67, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम 1973, तो इसमें किसानों की फसल के संबंध में अनिश्चितताओं को दूर करने के लिए नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मंजूरी दी। ठीक है, 2016 की योजना है, और इसमें किसानों की फसल को प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई हानि को किसानों के प्रीमियम का भुगतान देकर एक सीमा तक कम कराएगी, और इसके लिए 8800 करोड़ रुपए का खर्च करा जाएगा। और फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को बीमा कंपनियों के द्वारा निश्चित खरीफ फसल के लिए 2% प्रीमियम और रवि की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान इसमें करा जाएगा। इसके लाभ क्या है, देखिए 13.5 करोड़ किसानों को इसमें मतलब फायदा दिया जा चुका है, फसल बीमा का सुरक्षा कवच दिया जा चुका है। स्मार्टफोन के माध्यम से कोई भी किसान आसानी से अपने नुकसान का अनुमान लगा सकता है। फसल बीमा के दायरे में खेत से खलिहान तक को समेटा गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो प्रीमियम दर है वो बहुत कम है, जिससे किसान इनकी किस्तों का भुगतान आसानी से कर सकते हैं। ज्यादा फायदा जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, विदर्भ है और बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र हैं उनको मिलेगा इसका। इस योजना के क्रियान्वयन से किसानों में सकारात्मक ऊर्जा का भी विकास होगा, जिससे किसानों की कार्य क्षमता में भी सुधार होगा, और जो आत्महत्या का जो रेशो है वो भी कम करने का उद्देश्य इसमें एक है। ठीक है, और कुल मिला के किसानों को मनोवैज्ञानिक रूप से भी ये स्वस्थ बनाएगी, जिससे ताकि वो आत्महत्या ना करें। कुछ और तथ्य हैं, देखिए प्रीमियम की दरों में एकरूपता लाने के लिए भारत के सभी जिलों को समूहों में दीर्घकालीन आधार पर बांट दिया जाएगा। हालांकि ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, और ये आप एक बार देख लें। इसमें दिया हुआ कि खरीफ की फसल के लिए 2% का प्रीमियम है, 1.5% प्रीमियम आपकी रबी की फसल के लिए है। ठीक है, और एक राष्ट्र एक योजना विषय पर भी ये आधारित है, तो ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। और ये पूरी जानकारी जो है आप एक बार इसको मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, तो उसमें से आप इसको एक बार देख लें। फिर हमारी सांसद आदर्श ग्राम योजना, आई थिंक आज के ही पेपर में इसका एक क्वेश्चन या कल के पेपर में एक क्वेश्चन इसका पूछा गया है। इसमें 11 अक्टूबर 2014 को इसको स्टार्ट करा था मोदी जी ने, और ये करा था जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर, और इसका मुख्य लक्ष्य है ग्रामीण इलाकों में विकास करना। अब जो सांसद आदर्श ग्राम योजना है उसके तहत गांवों में विकास और बुनियादी ढांचे रखने हेतु सभी राजनीतिक दलों के जो सांसद हैं उनको इस योजना के तहत एक गांव को गोद लेना है और 2016 तक उसे आदर्श गांव बनाना है। हालांकि अब कुछ कहो मत, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, पहचानी गई जो ग्राम पंचायतों के समग्र विकास के लिए नेतृत्व की प्रक्रियाओं को गति प्रदान करना एक उद्देश्य इसका है। जनसंख्या के सभी वर्गों के जीवन की गुणवत्ता के स्तर में सुधार लाना। अब देखिए ग्राम, अगर कोई सांसद ग्राम लेगा, हालांकि क्या रहता है इनके जो खुद के गांव होते हैं उनका तो बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर लेते हैं। ठीक है, और बाकी आप सब जानते हैं कि कैसे योजनाएं चलती हैं, इसके बारे में हम कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये प्रमुख हैं, बुनियादी सुविधाओं में सुधार, आजीविका के बेहतर अवसर। अब देखिए अच्छी जगह अगर वहां पे बनेगी, डेवलपमेंट होगा, तो आजीविका अपने आप अच्छी होगी, अधिकारों हक की प्राप्ति अपने आप होगी, समृद्ध सामाजिक पूंजी, मानव विकास सब अपने आप ऑटोमेटिक ही सारी चीजें होंगी। और इनकी जो मान्यताएं हैं वो आप एक बार इसमें से पढ़ लें। ये क्या है कि जो गांव के सबसे गरीब और सबसे कमजोर व्यक्ति हैं उनको अच्छी तरह जीवन जीने के लिए सक्षम बनाना एक उद्देश्य है। सामाजिक न्याय, सफाई की संस्कृति, स्थानीय सांस्कृतिक विरासत संरक्षण और प्रोत्साहन दें, तो मतलब ये प्रमुख इनकी मान्यताएं हैं। इनमें अपन को ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है दोस्तों। ये वीडियो मैंने अभी बनाया, थोड़ा जल्दी में बताया, बस पढ़ के ही सुनाया, आप ये जान लें, बस आप सुन लें एक बार। बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करी, बस मेरा उद्देश्य है कि जल्दी से जल्दी बनाऊं, थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता है अभी। ठीक है, तो आप इसको देखें, बाकी एक योजना का वीडियो मैं कोशिश कर रहा हूं जल्द से जल्द आपके लिए एक और बना के दूं। और आप एक काम करें, जैसे अभी जो आज का जो मैंने वीडियो बनाया था एनालिसिस का,
तो उसमें मंदिर्स के लिए मैंने बोला कि जितने भी टेम्पल्स हैं आपके मध्य प्रदेश के, आप जिस जिले के हैं सारे टेम्पल्स आप यहाँ पे सेंड कर दो कमेंट में। उसमें क्या होगा कि जितने भी लोग होंगे वो सारे कमेंट्स में जाके देख सकते हैं कि कहाँ कौन सा मंदिर है। तो एक तरीके से पूरी आप सब लोग एक साथ मिलकर तैयारी कर सकते हैं। अगर आपके 51 ही जिले हैं, 51 जिलों में अगर मुझे करीब 500 लोगों ने कमेंट कर दिया, तो आप सोच सकते हैं कि 500 कमेंट में कितने सारे मंदिर आपके मिल जाएंगे। तो उनके साथ जिला लिखा हुआ है और जिले के साथ सारे मंदिर लिखे हुए हैं। तो अगर मैं वीडियो नहीं भी ना पाऊं तो भी आप वहां से उसको कंटेंट को देख सकते हो, अपने पेज पे लिख सकते हो, उसको याद कर सकते हो, या उसका आप स्क्रीन शॉट ले लें, स्क्रीन शॉट लेके आप उसको रख सकते हो और उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। क्योंकि बहुत अजीब से क्वेश्चन अब व्यापम में कुछ पूछे जा रहे हैं, हालांकि ये पूछना भी जरूरी है, अदरवाइज क्वेश्चन कहां से लेके आएगा व्यापम, इतना बड़ा एग्जाम है, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।